गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिचा, आई एम योर इंग्लिश टीचर. वेलकम होता है ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, द सेंटेंस. यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन ऑन द ब्लैक बोर्ड, सॉरी ग्रीन बोर्ड पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था चैप्टर्स के बारे में. नाउ वी स्टार्ट वर्ड टू वर्ड. ओपन योर बुक. आई एक्सप्लेन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली. देखो सेंटेंस क्या है, मैंने इसका मीनिंग बताया. वाक्य, मिल्क गिव काउ, मिल्क दूध गिव देती है काउ. देखो बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अभी वर्ड तो है लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा. सबसे पहले देखो, काउ गिव्स अस मिल्क, काउस गिव मिल्क, गायें हमें दूध देती है. अब बच्चों इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसके ऊपर लिखो आप लोग. सब्जेक्ट क्या है, काउ. देना क्या है, ह्यूमन वर्ड नहीं, जो भी एक्ट हो रहा है वो मेन वर्ब है. मेन वर्ब इसमें क्या है, गिव. और रेस्ट ऑफ पार्ट आप ऑब्जेक्ट्स में आप ले सकते हो, ऑब्जेक्ट है जो भी है. इसका काम क्या किया गया है, इसके थ्रू मिल्क दिया गया है. नेक्स्ट देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. सब्जेक्ट क्या है इसमें, बर्ड्स. फ्लाई, बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स के थ्रू क्या काम किया गया, वर्ब कौन सी निकली, फ्लाई निकली. लिखो इसे, राइट इट इन द एयर, एयर में. आगे देखो, शी राइट्स वेरी वेल. शी क्या है, सब्जेक्ट. राइट्स क्या है, मेन वर्ब. और वेरी वेल नेक्स्ट पार्ट. मंकी क्या है, सब्जेक्ट. हैव लॉन्ग नेक, हैव इसमें क्या है, मेन वर्ब. लॉन्ग नेक, लॉन्ग टेल्स क्या हो गई, नेक्स्ट पार्ट हो गया इसका. अब स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, आप पूछोगे मैम और सब्जेक्ट का हमें पता कैसे चलेगा कोई चीज़ सब्जेक्ट है, तो बेटा सब्जेक्ट का ध्यान रखना. मैं ये सब चीज़ें आपको लिखाऊंगी. सब्जेक्ट क्या है, जो जहाँ नाउन, जो नाउन और प्रनाउन होते हैं ना, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट वही बनते हैं. नाउन या प्रनाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं. आपके लेवल पे बता रही हूँ मैं ये बात. देखो जैसे जैसे आप लेवल चेंज होता है वैसे वैसे चीज़ें भी चेंज होती है, लेकिन अभी आपके लेवल पे बता रही हूँ, नाउन और प्रनाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं. यू सब्जेक्ट जीरेंड भी बन सकता है और भी मतलब बन सकते हैं, लेकिन आपके लेवल का बताऊँ, नाउन और प्रनाउन बनते हैं. अब आप पूछोगे मैडम नाउन क्या है, तो सभी बच्चे नाउन की डेफिनेशन हर बच्चे को आनी चाहिए. देखो नाउन क्या है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण आदि को संज्ञा कहते हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं ना. नेम प्लेस क्वालिटी और जो भी मतलब इस चीज़ें इंक्लूड होती है नाउन के अंदर, वो सारे नाउन कहलाते हैं. तो नाउन, अब देखो काऊ है, काऊ नाउन है तो ये सब्जेक्ट बन गया. आगे देखो, बर्ड्स भी एक नाउन है. अब आप पूछोगे मैडम प्रनाउन क्या है, तो प्रनाउन बेटे साइड में आप लोग लिख लो या अपनी नोटबुक में आप लोग राइट कर लेना. ही देखो, आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम, ही शी इट एनी नेम नहीं, ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट, ये सब प्रनाउन है. ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, प्रनाउन कहलाएंगे. आई वी यू दे ही शी, जो नाउन की जगह है पर काम आए वो प्रनाउन कहलाता है. नाउन के जैसे आता है ना कई बार, आई राइट मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ. देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, पंकज राइट राइट्स, पंकज लिखता है, पंकज राइट्स, पंकज लिखता है. ही, अब आगे मैंने कहा ही राइट्स नीटली, तो वह बहुत अच्छे से लिखता है, सुंदर लिखता है. तो जहाँ अब सेकंड टाइम मैंने पंकज का नाम नहीं लिया ना, एक एग्जांपल देखो, पंकज राइट्स, पंकज लिखता है. अब सेकंड टाइम मैंने पंकज के लिए काम में लिया ही, ही आपको पता है शी लड़की के लिए आता है, ही बॉयज़ के लिए आता है, तो यहाँ पर पंकज के लिए मैंने ही काम में लिया. ठीक है, ही राइट्स नीटली, वह बहुत सुंदर लिखता है. री नीटली, वह बहुत सुंदर लिखता है. तो सेकेंड टाइम मैंने पंकज का नाम नहीं लिया, नाउन की जगह है प्रनाउन को काम में लिया है. ही आई वी यू दे ही शी इट सब प्रनाउन है, और पंकज की जगह मैंने ही को काम लिया है, तो ये प्रनाउन हो गए. तो आपको पता होना चाहिए नाउन प्रनाउन सब्जेक्ट बनते हैं. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस है वो क्या होते हैं, ये बीच में डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको वर्बली बता दिया है. सेंटेंस में देखो बच्चों, देखो सेंटेंस में प्लेस इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए हर चीज़. ठीक है, और उसका कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए.
कंप्लीट मीनिंग निकले प्रॉपर ऑर्डर में आपकी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए तो सेंटेंस बनता है। अब देखो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह है, शब्दों का ऐसा समूह है, राइट इट वर्ड, शब्दों का समूह है, ऐसा समूह है जो कि कंप्लीट सेंस निकालता है, कंप्लीट अर्थ निकालता है, मीनिंग निकालता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ए सेंटेंस इज ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड्स विद ए फुल स्टॉप। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर आप बेटा LKG से पढ़ते आ रहे हो, ए बी सी, ऐसे नहीं है छोटा ए, नहीं ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज राइट। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लास्ट में इसके फुल स्टॉप होगा, लास्ट में इसके क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। यहाँ तक आई थिंक आपकी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, सेकंड, इसमें सेकंड में क्या बताया बेटा कि यू मे हैव ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस एग्जांपल। देखो बेटा, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाते, उन्हें बोलते हैं फ्रेज। उनको क्या बोलते हैं, फ्रेज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वाक्यांश। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, वाक्यांश होता है फ्रेज का। हिंदी मीनिंग करने के आपको कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं हो है ज़्यादा। अब देखो, जैसे देखो आपने देखा होगा वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। तो एक समय की बात है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बात क्या है वो तो हमें पता होनी चाहिए। तो जहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं निकले, ग्रुप ऑफ वर्ड है, देखो वन टू थ्री फोर, वर्ड तो ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकाल रहा, ठीक है, तो हमें फ्रेज होती है, वो क्या होता है, फ्रेज। एट होम, देखो एग्जांपल, एट होम, इन ए कॉर्नर, अंडर द टेबल, अक्रॉस द रोड, इन द ईस्ट, एट डार्क, डे डार्क, डे ब्रेक, ड्यूरिंग द डे, डे के दौरान, 10 o'clock, 10 बज गए, इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में, एट होम, घर पर, इन ए कॉर्नर, साइड की तरफ, कॉर्नर की तरफ, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अक्रॉस द रोड, इन द ईस्ट यानी पूर्व, डे ब्रेक यानी जब दिन बीच में टूटता है, ढलता है उसको। अब देखो बेटा, ये फ्रेज कहलाती हैं सारी, ठीक है। अब देखो, आपको अपनी नोटबुक में भी राइट करना है कि फ्रेज में और वर्ब में, फ्रेज में और सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। बेटा सेंटेंस में हमेशा वर्ब आती है, फ्रेज में आपको वर्ब नहीं मिलेगी। देखो, ए सेंटेंस हैज ए वर्ब, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस है। ए सेंटेंस हैज ए वर्ब, सेंटेंस में हमेशा आपको वर्ब मिलेगी लेकिन फ्रेज डज नॉट हैव ए वर्ब, फ्रेज में आपको कोई वर्ब नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स देखो, वंस अपॉन ए टाइम, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये फ्रेज है क्योंकि यहाँ एक्ट ही नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, वंस अपॉन ए टाइम सिंपल आपको बताया जा रहा है। अब सेंटेंस में देखो, देखो राम राइट्स, राम लिखता है, तो राम है सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस बनता है राम राइट्स नीटली, तो ये पूरा सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब शो हो रही है। जहाँ पर वर्ब शो हो वो सेंटेंस है, जहाँ वर्ब ना हो फ्रेज है। अब आपको देखो नोटबुक में लिखना है ये, इसकी डेफिनेशंस लिखोगे, दोनों लिखोगे आप, और फिर आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन हेयर नाउ, ये वन टू थ्री ये लिखोगे, फिर ये सेंटेंस की डेफिनेशन ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस आपको सेल्फ करनी होगी स्टूडेंट्स, और फिर मैं आपको चेक भी करवाऊंगी। अब देखो, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताती हूँ कैसे है। देखो स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस बुक है, दिस इज द ओल्ड बुक, इनके टिकआउट पे आप लोग मत जाना, टिक जो किए हुए हैं इस पे मत जाना, ठीक है। दिस इज द प्रीवियस बुक, ये ओल्ड बुक है किसी बच्चे की, ठीक है, इस पे आप नहीं जाओगे। आप ध्यान से देखो, बर्ड अवर नेशनल पीकॉक इज द, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन मीनिंग ही नहीं निकल रहा इसका तो कोई, ठीक है। अब इसमें आप बताओ सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें देखो पीकॉक, पिकॉक बेटा एक नाउन है, ध्यान रखना, पिकॉक हो गया सब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है बच्चों इसमें, इज। अब आप कहोगे मैडम आपने तो कहा था इज, तो हमने आप लोगों ने कहा था हेल्पिंग वर्ब है। देखो स्टूडेंट्स, जब इज के बाद, इसके बाद ये सारी चीज़ें भी बेटा आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे। इज के बाद जब हेल्पिंग ING आता है तब तो ये हेल्पिंग वर्ब है,
और जब आईएनजी नहीं आता है तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है आवर नेशनल, पिकॉक इज मेन वर्ब होगी आवर नेशनल बर्ड, आगे रेस्ट ऑफ पार्ट आई जाता है। नेक्स्ट देखो टाइगर इज नेशनल एनिमल अवर, तो द टाइगर इज सब्जेक्ट हो गया, इस फिर मेन वर्ब हो गई, इसके ऊपर लिखते जाओ द टाइगर इज सब्जेक्ट, सेल से बनाना मेन वर्ब, इज द मेन वर्ब और अवर नेशनल बर्ड, अवर नेशनल सॉरी बर्ड नहीं एनिमल सॉरी नेशनल एनिमल। ये नेक्स्ट आपके आ गया सन मून अर्थ राउंड, ये कुछ नहीं निकल रहा मीनिंग। अब देखो द अर्थ, अर्थ है अर्थ सब्जेक्ट हो गया, मूव्स मूव्स मेन वर्ब हो गई, अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आगे बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट हो ही जाता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। आप अपनी नोटबुक में भी बेटे या ये जो ऊपर वाला पोर्शन है या ये यहाँ तक जब कुछ जो पोर्शन है मैंने आपको बताया वो नोटबुक में आप लिखोगे जहाँ पे मैंने टिक लगाए हैं। और नेक्स्ट देखो अब, और ये सब बुक में फिलअप करोगे। एक्सरसाइज इज ए गुड स्विमिंग, अब ये भी कोई मीनिंग नहीं निकाल रहा, सेल्फ से देखो, देखो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखो रबर मैड आर बॉल्स ऑफ टेनिस, ये कुछ नहीं है, अब इसको मीनिंगफुल बनाओ आप लोग। सबसे पहले क्या आएगा टेनिस, सब्जेक्ट क्या बेटा, ऐसा तो है नहीं बच्चों कि बॉल से सिर्फ एक बॉल काम दे रही है, उससे तो नहीं हो सकता, कोई गेम तो ये है ना, तो सबसे पहले देखो टेनिस है, तो टेनिस टेनिस आगे देखो टेनिस के आगे टेनिस बॉल्स आर मेड ऑफ रबर, टेनिस की जो बॉल है वो किससे बनी हुई, रबर की बनी हुई है। अब देखो टेनिस बॉल बॉल्स रबर की बनी हुई है, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस ये अब आ रहा है, इतने मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं था। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट एक मिनट, नेक्स्ट देखो अब आप ए डे इन रोम वॉज नॉट बिल्ट, ठीक है ये एक प्रोवर्ब टाइप है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, आपको वही मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखो बच्चों कैप रोम जगह का नाम है, रोम कैपिटल लेटर का जगह का नाम है, नाउन है सब्जेक्ट बन गया। आप लोग लिखोगे वॉज वोज मेन वर्ब है, यहाँ पे नोट है तो नोट आ जाएगा, बिल्ड इन ए डे बिल्ट इन ए डे बिल्ट, बिल्ड की सेकेंड फॉर्म होती है बिल्ट, बिल्ट इन ए डे। तो फिर ये लास्ट बचा हुआ पोर्शन ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग काउंट कर लेते हैं। आगे देखो ये आपने इनिशियल से सुनते आ रहे हो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी स्लो का मतलब धीरे, स्टडी होता है लगातार, स्टडी का मीनिंग लिखो लगातार, विंस द रेस जो धीरे और लगातार चलता रहता है किसी न किसी दिन रेस को जीतता है। आगे देखो वाइफ चिल्ड्रन के लिए कुछ नहीं है, इसमें सबसे पहले आप लोग ये देखो प्रनाउन कहाँ पे है, देखो नाउन तो बाद में आएगा, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट को देखो तो ही बनता है, ही एक प्रनाउन है, ही बन रहा है सब्जेक्ट, ही टेक्स ही का ही आ जाएगा, टेक्स टेक्स का मीनिंग लेता है, केयर ऑफ हिज वाइफ ही टेक्स केयर, वह अपनी वाइफ की बच्चों की केयर करता है, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वह टेक्स केयर होता है अब देखभाल करना, वह अपने बच्चों की और अपनी वाइफ की देखभाल करता है या उनकी केयर कर रहा है। आगे देखो हैप्पी आर आर नोट, ये भी कोई कुछ नहीं निकल रहा, तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट देखो, वो द रिच आर मेन वर्ब हो गया, नोट का नोट ऑलवेज हैप्पी, नेवर फॉरगेट एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट। स्टूडेंट्स आई थिंक तो आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं, वो मैंने आपको क्लियर करवा दी, ग्रामर को रटना नहीं है समझना है। और फिर से बता देती हूँ आपको नोटबुक में क्या क्या करना है, ये यहाँ पे देखो
नोटबुक में आपको जो करना है वो आप इन दोनों को लिखोगे। ये साइड पोर्शन मैंने लिखा है, ये भी आप राइट करोगे, ये भी लिखोगे और साइड पोर्शन ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, ये आप राइट करोगे एंड एक्सरसाइज फर्स्ट फिलअप करोगे बुक में। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, टुडे सफिशिएंट, थैंक यू।